नमस्ते, मैं हूँ पाल रोहतगी और आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ कि कोई भी नागरिक जो भारतीय नागरिक है वो भारत के संविधान और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर नहीं है। ये मैं इस बेसिस पे कह रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हम सब ने अभी तक एक फुटेज देखी होगी कि कैसे एक सिख बुजुर्ग आदमी ने कृपाण निकाला इन फ्रंट ऑफ द दिल्ली पुलिस गाइस, और ऑब्वियसली कैसे दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल्स एंड पुलिस वालों को डंडा मार के या वॉट एवर हाथ लगाकर जोर जबरदस्ती से उनको काबू में करना पड़ा। आई एग्जैक्टली डोंट नो व्हाई द फाइट बिटवीन द सरदार जी एंड द दिल्ली पुलिस गाइज हैपेंड, बट ऑल आई वॉन्ट टू से इज दैट कि कुछ लोग ऑब्वियसली इसको एक पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं जो ऑब्वियसली बिलोंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। उनमें से एक बंदा है जिसका नाम मैं पहली बार ऑब्वियसली तब सुना जब ही कॉल्ड मी एंड इग्नोरेंट व्हेन आई वाज आस्किंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग सती एंड द फैक्ट कि क्या सती सिखिज्म का पार्ट था कि नहीं, तब उसने मुझे बेवकूफ कहा था। तो ये आदमी का नाम है मनजिंदर एस सिरसा, ही इज द स्पोक्स पर्सन फॉर अकाली दल। अकाली दल इज ऑब्वियसली अ पोलिटिकल पार्टी। अब मनजिंदर एस सिरसा ने ऑब्वियसली कोई फोटोग्राफ ट्वीट करी है ट्विटर के ऊपर जहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो जो टेम्पो ड्राइवर है सरबजीत सिंह और उनके बेटे के साथ गुरुद्वारा गए और गुरु साहिब का ब्लेसिंग्स लिया बिकॉज वो चाहते हैं कि उनको जस्टिस मिले। तो मैं ये पॉलिटिशियन को इतना ही कहना चाहती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली पॉलिटिक्स तो अभी तक आप भी थोड़ी बहुत समझने लगे होंगे जैसे मैं समझने लगी हूँ, दैट सिख लोग कृपाण रखते थे टू प्रोटेक्ट द हिंदूज एंड द हिंदू वुमेन फ्रॉम मुगल इन्वेडर्स जो उस टाइम पे ऑब्वियसली हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। उसके बाद ऑब्वियसली कृपाण बिकेम अ पार्ट ऑफ देयर अटायर एंड नोबडी इनफैक्ट क्वेश्चन्ड इट बिकॉज सिख लोग मिसयूज नहीं करते थे द कृपाण जो उनके पास हुआ करता था। मगर आज के तारीख में जब हमने देखा कि ये सरबजीत सिंह ने सरेआम रोड के ऊपर दिल्ली में कृपाण निकाला व्हेन ही हैड एन आर्ग्यूमेंट विद अ दिल्ली पुलिस गाय शोज दैट ही इज मिसयूजिंग द कृपाण विच इज अ रिलीजियस वेपन दैट हैज बीन given to him as per whatever setting is done between the political parties, because I think that after all kripan is a weapon and kripan is a hathiyar, aur aap usko publicly leke ek public place mein jate ho, and agar sarabjit singh jaisa buzurg sikh apna mental balance kho ke wo kripan ko hawa mein hilata hai aur agar galti se kisi जान चली जाती है, then who is going to be responsible for it? So, मजिंदर सिंह, मजिंदर एस सिरसा, जैसे political, मजिंदर एस सिरसा, yes, I got the name correct, जैसे political party leaders, obviously, इस तरह से इंडिया के अंदर divide करते हैं, तो लोगों के thought process को misuse करते हैं, अपने political ambitions को पूरा करने के लिए, क्योंकि जब ये सरबजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया, तो obviously news आई कि कैसे मेंबर्स ऑफ सिख कम्युनिटी इकट्ठा हो गए हैं मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में एंड हैवी फोर्सेस हैव बीन डिप्लॉयड। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ ये जो ड्रामा होता है माइनॉरिटी कार्ड यूज करके, क्योंकि मुझे लगता है कि ये माइनॉरिटी कार्ड जो ये पॉलिटिशियंस यूज करते हैं ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनको अपनी कौम की नहीं पड़े, इनको सिर्फ अपनी सत्ता की पड़ी है और वो हर सिचुएशन को यूज करना चाहते हैं अपने फायदे के लिए। क्योंकि अशोक स्वाइन, मैं उसको स्वाइन बोलूंगी करके एक आदमी है जो ट्विटर पे बैठा हुआ है और वो ऑब्वियसली ये इंसिडेंट को यूज करता है हिंदुत्व गैंग को ब्लेम करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको हिंदुत्व से नफरत है। क्यों? क्योंकि वो एक बिका हुआ हिजड़ा हिंदू है, दैट इज व्हाट आई विल कॉल हिम। वो कहता है कि मुस्लिम और क्रिश्चियंस जो इंडिया में रहते हैं उनको सिख से सीखना चाहिए अपनी माइनॉरिटी राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो मैं इस गधे आदमी को इतना ही कहना चाहती हूँ कि देखिए कृपाण वॉज अ रिलीजियस वेपन दैट सिख्स केप्ट जब मुगल इन्वेडर्स हिंदू लड़कियां और सिख लड़कियां को उठा के ले जाते थे अपनी हवस पूरी करने के लिए। ऑब्वियसली उसके बाद इट बिकेम अ पार्ट ऑफ एक्सेप्टिंग अ सिख लाइक दैट बिकॉज वो लोग पगड़ी भी रखते हैं एंड दे दैट इज द वे दे आर, वी एक्सेप्ट देम द वे दे आर। बट सरबजीत सिंह ने जो किया
सरेआम ऑन अ पब्लिक रोड रिमूविंग हिज कृपान बिकॉज ही हैड एन आर्ग्यूमेंट विद दिल्ली पुलिस वॉज रॉन्ग. चाहे वो सही थे या दिल्ली पुलिस सही थे, जो भी हो, वेन देर इज अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आपको एज अ भारतीय सिटीजन हरदम हम्बली सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए. बिकॉज अगर आप गलत नहीं हो तो कोई भी आपको ऐसे जेल में नहीं डाल सकता, मगर अगर आप एग्रेशन दिखाते हो लॉ एंड ऑर्डर के लोगों के साथ, यानी पुलिस लोगों के साथ, तो आप गलत हो और आप एक गलत मैसेज भेज रहे हो. और यही गलत मैसेज को ये जो एंटी इंडिया फोर्सेज है, जैसे अशोक स्वैन जैसे लोग, बढ़ावा देते हैं. क्यों? क्योंकि उनको इंडिया के अंदर दंगे कराने हैं और उनको हर लोगों के अंदर नफरत पैदा करनी है अगेंस्ट हिंदूज. और ये हर दम ये वर्ड यूज करते हैं, हिंदुत्व गैंग, गधे. पुलिस, दिल्ली पुलिस कहाँ से हिंदुत्व गैंग हो गई? वो दिल्ली पुलिस के अंदर कुछ मुसलमान लोग भी होंगे, कुछ बाकी धर्म के लोग भी होंगे. कैसे तूने दिल्ली पुलिस को हिंदुत्व गैंग बता दिया? दिस शोज कि अशोक स्वैन जैसा आदमी कितना खतरनाक है इंडिया और इंडिया की यूनिटी के लिए. साथ साथ में ये मजिंदर एस सिरसा भी बहुत ज़्यादा सेल्फिश पॉलिटिशियन है, जो ऑब्वियसली ये इंसिडेंट को यूज कर रहा है अपने पॉलिटिकल करियर को एडवांस करने के लिए. ही शुड हैव सेड कि सरबजीत सिंह ने कृपाण नहीं निकालनी चाहिए थी इन फ्रंट ऑफ दिल्ली पुलिस, क्योंकि वो एक गलत मैसेज देता है टू ऑल द सिक्स हु लिव इन दिल्ली एंड पंजाब, कि वो ऐसा कर सकते हैं अगर गुस्से हो जाते हैं. सो मजिंदर एस सिरसा, आप एक बेवकूफ आदमी है, आप एक सेल्फिश आदमी है, आप एक लालची आदमी है, जो अपनी राजनीति के चक्कर में ऑब्वियसली एक गलत एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये करने से आपका राजनीति करियर आगे जाता है. और ये मैं इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि मैं लॉजिकली हर सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रही हूँ. मुझे पता है कि आपको नरेंद्र मोदी जी फॉलो करते हैं क्योंकि आपने ये टैग लगाया है अपने ट्विटर हैंडल पे एज योर बायो डेटा. तो इसके बावजूद भी आई विल कॉल यू आउट, बिकॉज जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है. नोबडी इज अबव द लॉ ऑफ दिस कंट्री एंड नोबडी कैन टेक द लॉ इन देयर हैंड्स अगेंस्ट द पुलिस ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया. नमस्ते.